नमस्कार, नेशनल वॉइस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आपका अपना शो 100 नंबर लेकर, 100 नंबर लोगों का भरोसा है जहां हर वारदात की दस्तक, हर अपराध के पहलू और हर खौफनाक तस्वीर का लेखा जोखा होता है और उसी भरोसे को कायम रखते हैं हम। 100 नंबर पर करते हैं हर वारदात के पीछे छुपे गुनहगारों को बेनकाब, न केवल बेनकाब बल्कि अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की भी होती है कोशिश। आज 100 नंबर में उठाएंगे पर्दा उस गुनाह से जिसके पीछे छिपे हैं अपनों के चेहरे, तो कुछ हैं समाज के गुनहगार, आपको करेंगे आगाह हर वारदात से। देखते रहिए 100 नंबर। उसके हौसले बुलंद थे, वो अपने बुलंद हौसलों की बदौलत आसमां को छू लेना चाहती थी। उसकी इस उड़ान में गरीबी आड़े आ रही थी, लेकिन फिर भी उसके हौसले हवा से बातें कर रहे थे। 3 दिन पहले ही उसने अपनी माँ से फिक्र न करने की बात कही थी, लेकिन 3 दिन बाद उसकी माँ को हॉस्टल में बेटी की लाश मिली। इस रिपोर्ट में देखिए बुलंद हौसले रखने वाली उस लड़की के साथ क्या हुआ। पता नहीं, आज 3-4 दिन पहले गई थी, हमसे बात करती रही। मम्मा हमको अच्छी तरह नहीं, हमें नर्स का कोर्स करना, हमको रोक छोड़ना का नाम मत पैसे लगाना। मैंने किया, वो बेटा शादी कर ली, फिर कर ली थी, मेरी चार लड़की है, मैंने कभी बेटा पढ़ा पाऊँगी कर पाऊँगी, सब हो जाएगा, पापा मेरा सब करेंगे। इस माँ के बयान से ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि इस लड़की के जहन में ज़िंदगी के सपनों को लेकर कितने जज्बात थे। उन जज्बातों में जिद के साथ गुजरने का कितना मादा था, लेकिन अब ये बेटी अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। अब वो कभी नर्स बनकर लोगों की मदद भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी पर कुछ इंसानी शक्ल के भेड़ियों की नज़र पड़ी और ऐसी पड़ी कि वो अब ज़िंदगी से ही रुखसत हो चुकी है। कोई पता नहीं, आज 3-4 दिन पहले गई थी, हमसे बात करती रही। मम्मा हमको अच्छी तरह नहीं, हमें नर्स का कोर्स करना, हमको रोक छोड़ना का नाम मत पैसे लगाना। मैंने किया, वो बेटा शादी कर ली, फिर कर ली थी, मेरी चार लड़की है, मैंने कभी बेटा पढ़ा पाऊँगी कर पाऊँगी, सब हो जाएगा, पापा मेरा सब करेंगे। इस पिता के आंसुओं के पीछे छिपे दर्द को समझिए, जिसके सिर पर 4 बेटियों का बोझ जरूर था, लेकिन इसके हौसलों की ऊंचाई ये बेटी जानती थी और उसे भरोसा था कि वो जिन सपनों को पूरा करना चाहते हैं उसके लिए हिम्मत बनकर वो अपने पिता के साथ हमेशा खड़ी है। लेकिन अफसोस कि समाज के कुछ दुश्मनों को एक बेटी के सपने रास नहीं आए और वो उसकी ज़िंदगी के दुश्मन बन बैठे। ये वारदात बांदा जिले के कोतवाली इलाके की है। यहाँ महोबा की रहने वाली वंदना इंटर की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अब वो ANM यानी नर्स बनने के सपने को पूरा करने के लिए यहाँ रह रही थी। इस किराए के मकान में देर शाम गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी और जब लोग वंदना के कमरे में पहुँचे तो वहाँ वंदना की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। सुबह 8 बजे हमारी बड़ी बिटिया फोन करा, यहीं पर है बांदा माओ, उसने बताया तो हम आए। उसने ये बताया कि वंदना खत्म हो गई है, किसी ने मारा दिया है, सब बताया हमें फोन पर। साहब, हमारी तो किसी से रंजिश नहीं है और ना हमारी लड़की की किसी से रंजिश थी, हमारे उसमें उम्मीद है, अब जैसा भी हो गया हो सर। वारदात की जानकारी होने के बाद मौके पर संबंधित थाने की फोर्स के साथ ही जिले के अधिकारी भी पहुंचे। पुलिस के मुताबिक वारदात के पीछे के कारण अभी साफ नहीं हो पाए हैं। किसने और क्यों गोली मारकर इसकी हत्या की, तफ्तीश की जा रही है। बहुत जल्द वारदात का खुलासा किया जाएगा। हालांकि अभी तक परिजनों ने किसी भी रंजिश या फिर अन्य किसी मामले की जानकारी से इनकार किया है। एक लड़की यहाँ पे बन्ना रेखवा 16-17 साल की है, महुआ की है, यहाँ पे ANM की तैयारी करके 2 कमरों में किराए पे रह रही थी। घर के अंदर उसकी डेड बॉडी मिली है, किसी ने उसकी गन शॉट किया है,
अस्पताल ले जब गए तो उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। यहाँ पे बाकी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि उसकी गोली कैसे उसको किसने मारी है और क्या मामला है। ये वारदात प्रदेश पुलिस के लिए किसी कलंक से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ शहीदों और बदमाशों पर लगाम लगाने के दावे किए जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें पुलिस के दावों की हवा निकाल रही हैं। बदमाशों ने जिस तरह घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया उससे साफ है कि हत्या के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक युवती से पहले से था, जिसके कारण उसने उन्हें अपने कमरे में दाखिल होने दिया। फिलहाल पुलिस की जाँच में बहुत जल्द सब कुछ सामने आने की उम्मीद है। बांदा से मनोज कुमार, नेशनल वॉइस। क्या किसी शख्स के खिलाफ उसकी मंगेतर और पत्नी को आपने एक साथ देखा है? अगर नहीं देखा तो जरा सोचिए वो शख्स कितना बड़ा धोखेबाज होगा। लेकिन एक प्रेमी की ऐसी ही वारदात सामने आई है। एक शख्स के खिलाफ उसकी गर्लफ्रेंड और पत्नी दोनों एक साथ अपनी शिकायत दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंचे। पत्नी और गर्लफ्रेंड को एक साथ देखकर सभी हैरान रह गए। इस रिपोर्ट में देखिए उस शख्स का फ्रॉड। अगर हम कहें कि ये तस्वीर दुर्लभ है तो आप विश्वास करेंगे? पहली नज़र में तो आपको इस तस्वीर में ऐसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम आपको बताएंगे कि तस्वीर में दिख रही ये दोनों लड़कियों का संबंध एक ही शख्स से है, तो इनमें से एक पत्नी है तो दूसरी उसकी प्रेमिका, ये सुनने के बाद आपको ज़रूर हैरानी होगी। अब ये तस्वीर आपको दुर्लभ भी लग रही होंगी, क्योंकि पत्नी और प्रेमिका को एक साथ दिखना सच में हैरानी वाली बात है। इससे साफ है कुछ तो है जिसने दो विपरीत पोल को एक कर दिया है, और वो है धोखा। और ये धोखे के आरोप लगे हैं एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट अनुभव रस्तोगी पर। एक साथ थाने पहुंची पत्नी और प्रेमिका। पति और मंगेतर के खिलाफ हुई एकजुट। अगर आपको हमारी बातों पर अब भी यकीन ना हो रहा हो तो आप इन दोनों के बयानों को खुद सुन लीजिए। इन दोनों महिलाओं के संबंध एक ही व्यक्ति अनुभव रस्तोगी से हैं। इनमें से एक ने अनुभव से शादी की है तो वहीं दूसरी इस वक्त अनुभव की मंगेतर है। सुनने में बेहद ही हैरान करने वाला ये मामला बरेली जिले से सामने आया है। एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात अनुभव रस्तोगी पर आरोप है कि उसने दोनों को धोखा दिया है। इन्हीं आरोपों के साथ पति और मंगेतर के खिलाफ दोनों एसएसपी कार्यालय पहुंची। पत्नी और प्रेमिका ने खोला मोर्चा। पति और मंगेतर पर धोखा देने का आरोप। आरोप है कि लेफ्टिनेंट अनुभव रस्तोगी ने मैट्रिमोनियल पर अपना अकाउंट बना रखा है। इस अकाउंट के जरिए 2017 में पहले बरेली की रहने वाली एक लड़की उसकी शिकार बनी। उसने मैट्रिमोनियल पर अच्छा रिश्ता देखकर अनुभव को रिक्वेस्ट भेजी। तो आरोप है कि अनुभव ने उससे शादी के लिए मिलने की इच्छा जाहिर की और फिर दोनों ने कई बार मुलाकात करने के बाद अनुभव ने उससे शादी कर ली। ये शादी बेहद ही साधारण ढंग से की गई और अनुभव ने इस शादी में कुछ दोस्तों को भी शामिल किया। आरोप है कि शादी के बाद से अनुभव अपनी पत्नी पर घर से दहेज में रुपए लाने का दबाव बनाने लगा। इस बात को लेकर अब आए दिन अनुभव अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। फिर भी जब पीड़िता ने रुपए लाने से इनकार कर दिया तो आरोप है कि अनुभव ने उसे घर से निकाल दिया। मैं एसएसपी ऑफिस इसलिए आई हूँ, मेरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनुभव रस्तोगी जो मेरे हस्बैंड हैं उनसे मेरी मैरिज हुई थी 2016 दिसंबर में, एंड उसके बाद से उन्होंने मुझे काफ़ी फिजिकल हरास किया है। वी हैव मेट थ्रू मैट्रिमोनियल साइट, हम मैट्रिमोनियल साइट से मिले थे एंड उसी के दौरान हमारी शादी हुई। और उसके बाद बस उन्होंने मुझे पहले तो शादी की झूठ बोला, बहुत कुछ झूठ बोला, और शादी करने के बाद वो कंटिन्यूसली मुझसे डिमांड करने लग गए।
और मेरे को मेरे साथ काफ़ी बार डोमेस्टिक वायलेंस किया है। मैं बहुत बार कंप्लेन कर चुकी हूँ, बहुत बार अंदर एफ स्टेशन जा चुकी हूँ, एंड सेम ही चीज़ उन्होंने फिर दूसरी लड़की के साथ भी की जो अभी मेरे साथ ही है। पत्नी को घर से बाहर निकालने के बाद एक बार फिर लेफ्टिनेंट अनुभव ने दूसरी लड़की को अपने जाल में फंसाया। इस बार बारी थी बैंगलोर की रहने वाली युवती की। बैंगलोर की इस लड़की को मैट्रिमोनियल के जरिए अनुभव ने रिक्वेस्ट भेजी और मुलाकात फिक्स की। फिर दोनों कई महीनों तक एक दूसरे को जानने और समझने के नाम पर मुलाकात करते रहे। आरोप है कि इस दौरान लेफ्टिनेंट अनुभव रस्तोगी ने शादी का वादा कर कई बार लड़की के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। यहाँ बैंगलोर में स्पेशली फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनुभव रस्तोगी से मिलने आई थी। एक्चुअली मैं उससे बाय जीवन साथी नवंबर 2017 में मिली थी, जबकि और देन दिसंबर में वो मुझसे पुणे मिलने आया था और उसने वहीं पे डिसाइड किया था कि वी विल गेट मैरिड इन मार्च। देन फिर उसने फेब में मुझे मना कर दिया कि लाइक मेरे घर वाले नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारा स्टेटस और मेरा स्टेटस मैच नहीं होता है, बट स्टिल लाइक हम लोग का बहुत मतलब अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ हो मेरा। एंड हम लोग इतने मतलब अभी 7-8 महीने से हम लोग लाइक कॉन्टेक्ट में हैं डायरेक्टली और वी हैव अ फिजिकल एवरीथिंग। लेफ्टिनेंट की करतूत के खिलाफ उसकी पत्नी पहले ही महिला सेल की मदद से केस दर्ज कर चुकी है। इस बारे में मंगेतर को जानकारी होने पर आज दोनों एक साथ SSP से मिलने पहुंची और अपनी बात रखी है, जिस पर पीड़ित मंगेतर की शिकायत पर लेफ्टिनेंट अनुभव रस्तोगी के खिलाफ जांच की बात कह रही है। सेम ही चीज़ उन्होंने फिर दूसरी लड़की के साथ भी की जो अभी मेरे साथ ही हैं, और इनके साथ भी सेम चीज़ की है। इनको भी मैट्रिमोनियल से मिले हैं, इनको भी वैसे ही बुलाया हुआ है, इनको भी पिछले 10 मंथ से ही डूइंग फिजिकल हैरेसमेंट विद अस, एंड उसकी भी काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स रखी हुई हैं और उसको भी ब्लैकमेल कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए। तो आज हम लोग दोनों के दोनों इसीलिए यहाँ पे हैं कि कोई ना कोई इनके खिलाफ इनके अगेंस्ट कुछ स्टेप लिया जाए। तो एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ एक चीज़ कही गई है। उनकी एक तथाकथित जो वाइफ थी उन्होंने कहा है कि उनके साथ वो मारपीट करते थे, उन्होंने तो ये चीज़ कही है। एक और महिला ने उनके खिलाफ ये कहा है कि भाई इन्होंने झूठी इन्फॉर्मेशन मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर पोस्ट की कि ये शादीशुदा नहीं है, और इस बहाने इन्होंने हमें भी एक्सप्लॉइट किया। दोनों युवतियों के आरोप से न केवल रिश्तों की मर्यादा कलंकित हो रही है, साथ ही वो पद भी शर्मसार हो रहा है जिसकी आड़ में अनुभव अपनी गंदी साजिशों को अंजाम देता था। ऐसे लोग न केवल जिम्मेदार पदों के लिए बल्कि समाज के लिए भी खतरा होते हैं। बरेली से नेशनल वॉइस के लिए विवेक सिंह की रिपोर्ट। सौ नंबर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कातिल पत्नी की कहानी।